अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जो पिछली दो तीन वीडियोस हैं उनमें हम मोमेंट्स की बात करते रहे हैं। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, फिर वो जो मोमेंट्स हैं वो हमें कुछ टर्म्स हमने उनके साथ एसोसिएट की थी, एक्सपेक्टेशन या मीन वाली टर्म एसोसिएट की थी, देन हमने उसके साथ वेरियंस की टर्म एसोसिएट की थी। जो मीन होगा दिस इज सम काइंड ऑफ एवरेज, काइंड ऑफ वेटेड एवरेज, जो आम एवरेज हम लेते हैं उसमें सारा वेट्स यूनिफॉर्म होते हैं। जब हम ये एक्सपेक्टेशन की टर्म यूज करते हैं तो हम देर इज अ चांस के वो जो वेट्स हैं वो बराबर ना हो, तो वो एक्स एफ ऑफ एक्स, तो वो जो एफ ऑफ एक्स है लाजमी नहीं कि वो यूनिफॉर्म वैल्यूज लें। जो वेरियंस है दिस टेल्स अस अबाउट द डिस्पर्शन या जो स्प्रेड ऑफ डेटा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो रैंडम वेरिएबल है, फिर इसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म देखी थी। तो अब हम जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं कि जब हम ये सारी टर्म्स देख चुके हैं तो अब जो डेटा का फैलाव है और जो ये वाली टर्म्स हैं, क्या इनको हम आपस में रिलेट कर पाएं। तो हम चेबीशेव थ्योरम की मदद से इनको रिलेट कर पाएंगे। तो जो चेबीशेव थ्योरम है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट आपको टर्म्स रिकॉल करवा रहा हूँ। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मीन, इसको हम बोलते हैं, ये आपको याद होगा ये आर्थ मोमेंट अबाउट मीन था। अब इसका जो सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन है, इसको आपको याद होगा हमने इसको वेरियंस का नाम दिया था और ये रिजल्ट भी प्रूव किया था। जो म्यू, इसको एवरेज या मीन बोलते हैं हम, और जो वेरियंस है दिस रिफ्लेक्ट्स द स्प्रेड आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि जो आपकी वैल्यूज हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। हम इस पे काफी सारा काम कर चुके हैं। चेबीशेव थ्योरम पे आते हैं। चेबीशेव थ्योरम जो कहा क्या जा रहा है कि इफ म्यू एंड सिग्मा आर मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, तो अब ये रैंडम वेरिएबल एक्स है, इसका जो मीन है इसको अगर हम म्यू कह दें और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये ज़हन में रखिए, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। Then for any positive constant k, the probability is at least 1 minus k square. किस चीज की probability? That x will take on a value. Now we are इस चीज की probability that x takes on a value within k standard deviations of the mean. कि जो x है ये k mean के साथ जो k standard deviations का distance अगर इसका हो तो इसकी probability कितनी है? There is at least 1 minus 1 over k square. तो मैथमेटिक अगर हम इसको सिंबल्स में लिखें तो x और mu का जो डिस्टेंस है that has to stay within this k sigma, और प्रॉबिबिलिटी इस चीज की कि x का डिस्टेंस म्यू से k स्टैंडर्ड डिविएशन में रहे ये कम से कम इतनी होगी। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय चेबीशेव थ्योरम। अब इसमें हम और करें, इसमें रैंडम वेरिएबल आ गया, इसका मीन से डिस्टेंस आ गया, उस डिस्टेंस पे हमने चेक लगा दिया और फिर इस चीज की जो रैंडम वेरिएबल की वहां पे एग्जिस्टेंस की प्रॉबिबिलिटी है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आपको इसको एनालिसिस करना है तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दी हो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन की आपको डिस्ट्रीब्यूशन दियो या डेंसिटी दियो, तो आप वहां से मीन कंप्यूट कर सकते हैं, आप वहां से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट कर सकते हैं और फिर वहां से फर्दर आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यूज इंटरवल्स में लेता है। तो ये अगर आपका ये जो है डिस्टेंस वाला जो ये जो मॉड हमने लिखा है एक्स माइनस म्यू, ये डिस्टेंस को इंडिकेट करता है और हम ये देख रहे हैं कि एक्स और म्यू का डिस्टेंस इससे कम, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी। अब जब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं तो प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल सा है। मैं इसको कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में प्रूफ कर रहा हूँ। डिस्क्रीट के केस में होगा क्या कि जहाँ जहाँ पे मैंने इंटीग्रल लिखा है वहाँ पे आप समेशन लिख देंगे, बाकी सारा पैटर्न वैसे का वैसे यूनिफॉर्म रहेगा। तो हम वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से अगर लिख दें तो अगर ये जो मैं स्टार्ट यहाँ से ले लेता हूँ, ये जो वेरियंस या जो जिसको हम सिग्मा स्क्वायर लिख रहे हैं दिस इज एक्स ई ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड मोमेंट, this is the second moment about mean. इसको अगर आप इसकी definition के मुताबिक चले expectation की, so this becomes x minus mu square f of x dx and the integral is from minus infinity to plus infinity.
अब जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाला आपका ये इंटेग्रल है, इसको आप तीन सब इंटेग्रल्स में डिवाइड कर देते हैं। माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक एक, म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा तक दूसरा इंटेग्रल, म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी तक तीसरा इंटेग्रल। तो ये हमने इस इंटेग्रल को तीन सब इंटेग्रल्स में डिवाइड कर दिया, तीन इंटेग्रल्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। अब ये जरा देखिए हम कर क्या रहे हैं। ये अगर आपकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ग्राफ दिखाया जाए और ये पूरी आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपकी रियल लाइन की मैंने पिक्चर आपको दिखा दी, ये म्यू है आपका। अब अगर और म्यू में जो इसकी नेबरहुड में ले रहा हूँ वो के स्टैंडर्ड डिविएशंस की ले रहा हूँ, मतलब ये कि मैं ऑन द राइट आई कैन मूव के स्टैंडर्ड डिविएशंस, ऑन द लेफ्ट आई कैन मूव के स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो अब जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर इस इंटरवल के अंदर रहती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग लाइक दिस। तो ये लिखा हो तो इससे ये ओपन इंटरवल मिलेगा हमें, और अगर ये ओपन इंटरवल हो तो इससे हम ये लिख देते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने। अब हमने किया क्या कि जो सिग्मा स्क्वायर उसको लिखा था हमने, उसको तीन इंटेग्रल्स में डिवाइड कर दिया। अब गौर ये कीजिए कि जो x माइनस व्यू ये स्क्वायर हो गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमेशा नॉन नेगेटिव है, सो दिस होल प्रोडक्ट हैज टू स्टे नॉन नेगेटिव। तो मैं कोई भी इंटेग्रल अगर लूंगा और ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो वो नंबर पॉजिटिव आएगा। तो सिग्मा स्क्वायर तीन इंटेग्रल्स के बराबर था, अब यहाँ पे लिखा हुआ सिग्मा स्क्वायर इज बिगर देन सम ऑफ दीज टू इंटेग्रल्स। गौर कीजिए तो हमने एक इंटेग्रल बीच में से कम कर दिया, वी हैव एलिमिनेटेड द इंटेग्रल म्यू फ्रॉम म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा म्यू एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये वाला इंटेग्रल बीच में से निकाल दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे थी वो बड़ी हो गई, एंड वी आर लेफ्ट विद दीज टू इंटेग्रल्स। अब देखिए एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, अब हम यहाँ पे ये जो हमारी पिक्चर है ये क्या इंडिकेट करती है कि x माइनस म्यू स्क्वायर इज लेस देन के सिग्मा। तो अगर x माइनस म्यू की वैल्यू, अगर x माइनस म्यू की वैल्यू जो है वो k सिग्मा से बड़ी हो जाए तो इसका मतलब ये कि हम इस साइड पे आ गए, छोटी हो जाए तो इसका मतलब हम इस साइड पे चले गए। अब इसका मतलब ये कि जब मैं दोनों का स्क्वायर लूंगा तो x माइनस म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन के सिग्मा। अब मैंने इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन को हमने वायलेट कर दिया, या हम इधर होंगे या हम इधर होंगे, दोनों का स्क्वायर लिया हुआ है। अब ये कब कब होगा, x माइनस म्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन, व्हेन x इज लेस देन म्यू माइनस के सिग्मा, और x इज ग्रेटर देन म्यू प्लस के सिग्मा। अब ये इस सिचुएशन में ये वाली क्वांटिटी ये बिहेव करेगी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा x माइनस म्यू स्केयर वाली टर्म्स थी इनकी बजाय k स्केयर सिग्मा स्केयर लिखते हैं। अब उससे होगा क्या कि ये जो टर्म है ये मजीद अपने से बड़ी टर्म से रिप्लेस हो जाएगी, तो ये इनइक्वालिटी को में चेंज नहीं आएगी। सो दिस x माइनस म्यू स्केयर विल बी रिप्लेस्ड बाय k स्केयर सिग्मा स्केयर, और यहाँ पे भी आ जाएगा k स्केयर सिग्मा स्केयर। ओके, अब ये जो k स्केयर सिग्मा स्केयर है उसको हम अगर बाहर ले जाए कॉमन कर ले, सो वी आर लेफ्ट विद माइनस इन्फिनिटी टू म्यू माइनस के सिग्मा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस म्यू प्लस के सिग्मा टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब ऑब्वियसली दिस इज अ कांस्टेंट, दिस म्यू स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, सो आई कैन सिंपली डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एंड दे बोथ दिस टर्म्स विल कैंसिल आउट, सो आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस के स्क्वायर। अब ये जरा देखिए दिस होल थिंग, दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन के सिग्मा, जो इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट किया था दैट इज लेस देन के सिग्मा। यहाँ पे क्या चीज, हमने वो दरमियान वाली वो टर्म छोड़ दी हुई है, सो दिस होल थिंग इज लेस देन 1। अब इसको अगर मैं फिर ये के स्क्वायर दूसरी साइड पे ले जाऊं, सो आई हैव 1 माइनस 1 ओवर के स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस टर्म। ओके, आई नो वन थिंग, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। अब ये जो probability x minus mu is greater than k sigma, इसको अगर मैं probability x minus mu less than k sigma इसके साथ add करूँ, the answer I obtain is 1। Okay, अब ये वाली जो term है ना, ये वाली term, this is smaller than 1 over k square, ये 1 over k square से बड़ी है, छोटी है, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह पे अगर बड़ी term लिख दूँ तो वो 1 over k square होगी, तो ये जो equality है ये inequality में बदल जाएगी। अब जब ये बदल जाएगी तो अब मेरे पास ये probability x minus mu less than k sigma and this is equal to 1 minus 1 over k square।
तो अब यही हमें प्रूफ करना था, चेबीशेव थ्योरम में हम यही प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा रिजल्ट है जो जिसमें हम इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। जो स्टेटमेंट है इसको अगर आप ठीक से समझ लें और तो और बाकी आपको सिंपल कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आती हूँ, तो ये चेबीशेव थ्योरम सिंपल सा थ्योरम है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो म्यू मीन उससे आपका जो रैंडम वेरिएबल है अगर के स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर अंदर रहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम 1-1 ओवर के स्क्वायर से ज़्यादा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मैं आपको 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में ले चलूँगा, 1 रैंडम वेरिएबल से हम 2 रैंडम वेरिएबल्स में चले जाएंगे। शुक्रिया।